सो आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे पीजी एंड रूम्स नियर बाय जेएनयू, क्योंकि काफी सारे नए स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि अगर मुझे अभी हॉस्टल नहीं मिल रहा है और अगर मुझे जेएनयू के नजदीक रहना है तो क्या रूम्स और पीजी अवेलेबल है और क्या क्या इसका फीस है, कितना फी लगता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएनयू ब्लॉग्स। तो चलिए आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे रूम्स और पीजी, जो कि जेएनयू के बाहर ही एक मार्केट है जिसका नाम है मुनिरका। वहां पे आपको रूम और पीजी, बॉयज पीजी, गर्ल्स पीजी एंड रूम्स आपको आसानी से मिल जाएगा और वहाँ का क्या फीस है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वहाँ का आज कुछ नजारा। सो एवरीवन, ये है जेएनयू का टी पॉइंट और यहीं से आपको ऑटो मिलेगा। अगर बाहर आप इधर जाएंगे मेन गेट की तरफ, मेट्रो जाइए, बाहर कहीं भी जाना है तो आपका ये चौराहा है और यहीं से आपको ऑटो मिलेगा बाहर के लिए। तो अभी हम ऑटो में बैठ गए, जैसा कि आपने तो आपको कहा कि अगर आपको बाहर कहीं भी जाना है जेएनयू से आप मेट्रो जाइए, मेट्रो आपको यहाँ बगल में ही मिल जाएगा। तो टी पॉइंट से आप ऑटो आराम से मिल जाएगा और वहाँ का जो टी पॉइंट टू जो मेट्रो का चार्जेस है आपका है 40 रुपीज़। पहले 30 था पर अभी हो गया 40। भैया आपको 50 बोलेंगे पर आप 40 में मना सकते हैं भैया को। तो अभी चलते हैं हम पीजी और दिखाते हैं आपको कैसा है वहाँ का। तो गाइस अभी मैं जेएनयू के मेन गेट पे खड़ा हूँ। ये इधर हो गया आपका बुद्ध विहार और फिर इधर हो गया आपका पाल डेयरी। तो ये दो ऐसी जगह है जेएनयू के नज़दीक जहाँ आपको इजीली रूम मिल जाएगा, सबसे नियरेस्ट जेएनयू का। अभी जो इनका मेन गेट, सो यहाँ पीछे जो देख रहे हो ये वाला है आपका जेएनयू मेन गेट और यहाँ से ये वाला जो है आपका ये है बुद्ध विहार वाला गली जो इधर देख रहे हो आप। तो काफ़ी नज़दीक है ये गली जो है जेएनयू से और यहाँ पे आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं। सो ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो आप ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए और इसका जो रूम चार्जेस है 7 से 8 हज़ार। तो आप ये पीछे जो देख रहे हो आप ये है बुद्ध विहार वाला गली। इधर अगल बगल में जो आपको दोनों साइड काफ़ी रूम्स मिल जाएगा आपको। यहाँ पे बोर्ड्स लगा हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो टॉयलेट का बोर्ड है, खाली रूम्स का जो बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ आपको दिख जाएगा तो मैं दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे ये नंबर लिखा हुआ है BS गौतम और ये नंबर है, इनसे आप कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको फिर ये रूम दिखा देंगे रूम ऑनर। और इसी फ्लोर में हमारा एक दोस्त भी रहता है आपको। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का रूम किस तरीके का होता है। बुद्ध विहार में जो है ये गली है। तो गाइज ये रवि रंजन भाई का कमरा है जो मुनिरका पे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मुनिरका में आपको दो जगह रूम मेनली मिल जाता है, एक है पाल डेयरी और एक है बुद्ध विहार। तो ये बुद्ध विहार का कमरा है। तो रवि रंजन भाई मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने कमरा लिया है वो क्या प्राइस है इसका, कितना देना पड़ता है एक महीने में? सिंगल में अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो 4500 एंड डबल में रहना चाहते हैं तो 5500। अच्छा, कहने का मतलब अगर आपको सिंगल रहना है तो आपको 4500 पे करना पड़ेगा और आपको डबल अगर रूममेट के साथ रहना है तो 5500 का डिफरेंस होता है। चलिए हम थोड़ा सा कमरा दिखा देते हैं आपको किस तरीके का है। दो बेड है, एक अलमारी है और टेबल भी रहता है, ये देख सकते हैं आप। और ये हो गया आपका पाल डेयरी वाली गली जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। काफ़ी सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स पास आउट होने के बावजूद भी यहाँ पे रहते हैं। तो पाल डेयरी की ये गली है, इधर भी काफ़ी सारे रूम्स आपको इजीली मिल जाएगा। इधर है आपका एटीएम वाला गली है और इधर आपका एक और गली है जो दोनों साइड आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। पाल डेयरी वाला गली है ये, पाल डेयरी से कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, पाल डेयरी इस गली का नाम है। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है और आपको यहाँ से खाली कमरा मिल जाएगा, यहाँ पे भी टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये रहा मुनिरका का कैनरा बैंक वाली गली, यहाँ पे गर्ल्स पीजी मिल जाएगा पर जेएनयू से ये थोड़ा दूर में पड़ता है आपका। तो यहाँ से अगर आप जेएनयू जाते हैं तो आपको मिनिमम 10 से 15 मिनट्स लग जाएगा ऑटो से और यहाँ जो गर्ल्स पीजी का चार्जेस है वो 6 से 7 हज़ार है। और ये हो गया आपका मुनिरका वाला गली, मेट्रो है इधर, मेट्रो वाला गली है आप। सो जब आपको जेएनयू में रूम मिल जाएगा तो आप इधर आ सकते हैं इस गली में और सब कुछ आपको मिल जाएगा रूम के लिए, बेड बाल्टी सब कुछ। अभी जो हम गए थे जो आपने देखा ये है जेएनयू का, जेएनयू से जो मुनिरका मेट्रो जाते हैं वो था, तो ये थोड़ा सा दूर पड़ता है। सो गाइज मेरा मतलब है अगर आपको जेएनयू के नजदीक रहना है कुछ दिनों के लिए तो जो मैंने आपका जगह बताया, एक है पाल डेयरी आपका और एक है आपका बुद्ध विहार, ये काफी ज्यादा नजदीक है। ये जेएनयू गेट के जस्ट बाहर है, जेएनयू से आपका वॉकिंग डिस्टेंस भी है तो यहाँ आपको आसानी से रूम मिल जाएगा, पाल डेयरी और बुद्ध विहार। और यहाँ का जो रूम चार्जेस है
वो करीबन आपका 5000 भी है, 6000 का भी है, 7000 का भी है, 8000 का भी है, 9000, 10000। तो आप जिस तरह का रूम लेंगे उस हिसाब से आपको फैसिलिटीज मिलेगा। कहने का मतलब अगर आप 5000, 6000 का ले रहे हैं तो आपको रूम मिलेगा एक, और रूम पे ही आपका जो है, अगर आपको खाना तो आपको जेनी में ही आके खाना है, या अगर आप खुद से बनाना भी चाहते हो तो आपको रूम पे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लेते हो कॉस्टली वाला जैसे 8000, 9000, तो आपको सेपरेट किचन भी मिलेगा। तो इस तरह का है। और यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ का ही नहीं, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी, कहने का मतलब गर्ल्स वाला जो बिल्डिंग है सिर्फ गर्ल्स फीमेल स्टूडेंट रहने के लिए, वैसा भी बिल्डिंग है आपको। और जो पीजी की बात कही मैं, वो यहाँ पे नहीं, वो आपको मुनिरका में गर्ल्स पीजी है, वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो मैं तो उसे सजेस्ट नहीं करूँगा। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे जेएनयू का प्रिपरेशन करते हैं या जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन हुआ है, तो उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो या भाई हो, कोई भी रिलेटिव्स में मुझे लग रहा है जेएनयू में है, तो आप उनके साथ भी रह सकते हैं। आपको जो मैंने पता किया है IHM में, जहाँ से जेएनयू का हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, तो उनका कहना है कि आपको करीबन अगर हॉस्टल मिलेगा भी तो आपको एक महीना वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो फर्स्ट लिस्ट निकलेगी हॉस्टल डॉर्मेट्री की, वो मास्टर का जो एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो मास्टर और पीजी दोनों का जो फर्स्ट लिस्ट है वो साथ में निकलेगा नवंबर के बाद, जो फर्स्ट लिस्ट है। तो एक ये डेढ़ महीना, एक महीना आपको शायद इंतजार करना पड़े। तो आप चाहे तो अगर आपका कोई भी रिश्तेदार है यहाँ पे, रिलेटिव्स है, तो आप उनके साथ मैनेज कर सकते हैं, या आप एज ए TR भी बन सकते हैं किसी के रूम पे। बाकी आपको एक से डेढ़ महीने में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, तो अगर आप चाहो तो आप मैनेज कर सकते हैं जेएनयू में। अगर आप चाहे कि मुझे बाहर में रूम लेना है तो भी आपको मिल जाएगा, जो जो मैंने आपको दिखाया हो वहाँ पे भी आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइज। इसके अलावा आपका कोई और भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जेएनयू से रिलेटेड सारा अपडेट नेक्स्ट ईयर के लिए जेएनयू का प्रिपरेशन से जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।